It's me, Vikram Kumar, at the platform Arshine Higher Secondary School. So guys, now question number 4 is start करने जा रहे हैं. Exercise 1.1 continue है. तो question number 4 में देखते हैं क्या given है, calculate क्या करना है. तो show that क्या है? इसे given है n means natural numbers का set हमारे पास मौजूद है. Second one even numbers का set हमारे पास मौजूद है. And odd numbers का set हमारे पास मौजूद है. अब show करना है कि तीन जो sets मौजूद हैं, तीन जो sets given हैं, equivalent sets. ये decide करना है कौन से set equivalent set है. ठीक है? तो equivalent set की definition हमने पढ़ी थी. थोड़ी refresh. Revise कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में आ जाए. Equivalent set का मतलब ये है कि दो set, ये दो set, दोनों set के अंदर जो members की quantity जो है वो same हो. Means एक set के अंदर अगर तीन elements हैं, तो दूसरे set के अंदर भी तीन elements हो. जरूरी ना है same हो. अगर same elements होंगे and quantity भी same होगी, then उसको कहेंगे equal. Equivalent का मतलब one-one correspondence. Number of elements same होंगे, क्वांटिटी में सेम होंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या है इसमें, किस तरीके के एलिमेंट्स हैं. सो गाइस, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस जो सेट रहते हैं उनको किस तरीके से हम चेक आउट कर रहे हैं, कौन से सेट किस सेट के हिसाब से हम कर रहे हैं. तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इवन नंबर्स, दोनों को करते हैं. नेचुरल नंबर एलिमेंट नंबर को कंपेयर कर रहा है. अब देखिए नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स जो होते हैं, 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 3 के बाद 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है. सो नेचुरल नंबर्स में इवन एंड ऑड दोनों की कॉम्बिनेशन है. इवन भी एलिमेंट्स मौजूद है, ऑड भी एलिमेंट्स मौजूद है. ठीक है, तो आपको जस्ट इस एलिमेंट जैसे कि यहां पर तीन एलिमेंट्स गिवन है, इवन नंबर में भी तीन एलिमेंट्स गिवन है, ये इस तरीके से देखकर नहीं कैलकुलेट करना तो इक्विवेलेंट है या नहीं. इसको सेम मतलब नेचुरल नंबर से का नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, डॉट डॉट देयर इज दैट सो ऑन चलते जा रहे हैं. इवन नंबर में ये तीन एलिमेंट्स गिवन है, बस कैलकुलेट कर दे, तीन इसमें तीन इसमें मींस इक्विवेलेंट है. नो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. इवन सेट का कंप्लीट एलिमेंट्स है. नेचुरल नंबर मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आते हैं, आर प्रेजेंट देयर. सो कंपेयर करें तो आप देखिए आपके सामने 1 मौजूद नहीं है, 2 है, मींस ऑड नंबर है क्या, 2 आ गया. तो इसका मतलब आप ये देखिए कि नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, इवन नंबर्स में एलिमेंट कम आ रहे हैं. तो इसमें अगर देखें सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स आर ओवरलैपिंग सेट्स, इनको कहेंगे हम ओवरलैपिंग सेट. देयरफॉर नेचुरल नंबर एंड इवन नंबर को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा. ओवरलैपिंग का मतलब ये है, ओवरलैपिंग का मतलब ये है इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है गाइस, ये हो गया नेचुरल नंबर को इवन इस नंबर के साथ. ओवरलैपिंग का नाम इसलिए दिया है कि इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग है. कॉमन जा रहे मींस इक्विवेलेंट नहीं. उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसको देखें. नेचुरल नंबर में एलिमेंट 1, ऑड नंबर में एलिमेंट 1 मौजूद है. नेचुरल नंबर में 2, ऑड नंबर में 2 नहीं है. 3 है तो 3 इसमें मौजूद है. 4, 4 इसमें नहीं है. 5, 5 नहीं मौजूद है. तो देखिए इस हिसाब से नेचुरल नंबर में 2, 2 नहीं है, 3 मौजूद है, मींस एक एलिमेंट रह गया, गायब हो गया. इसका मतलब नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स ज्यादा है. तो इवन नंबर है, ऑड नंबर दोनों को अगर कंबाइन करें, यूनियन करें दोनों की, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे कंप्लीटली, तो नेचुरल नंबर जाकर बनेगा. ठीक है, तो नेचुरल नंबर में इवन को अलग कर दें, ऑड को अलग कर दें, मींस नेचुरल नंबर को दो हिस्सों में आपने काट दिया है, इवन अलग कर दिए, ऑड अलग कर दिए. तो इसका मतलब ये है क्वांटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स विद इवन नंबर्स इज आल्सो नॉट सेम, आल्सो क्वांटिटी विद ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ऑड नंबर्स आल्सो नॉट सेम. क्योंकि नेचुरल नंबर कंटेन्स इवन एज वेल एज ऑड दोनों मौजूद है. ठीक है, तो अलग दोनों को का अलग अलग कर दिए, दो हिस्सों में बांट दिया. ठीक है, तो इसके हिसाब से अब ये कहेंगे नेचुरल एंड ऑड आर आल्सो ओवरलैपिंग
सेड्स ओवरलैपिंग का मतलब ये है नेचुरल नंबर एंड ऑड नंबर की इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे ओवरलैपिंग के दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंट का मतलब दोनों में कॉमन ना हो इक्विवेलेंट की क्वांटिटीज हैं वो उसकी क्वांटिटीज सेम नहीं है ठीक है गाइस तो ये हो गया नेचुरल नंबर की कंपैरिजन विद द ऑड नंबर्स एंड विद द इवन नंबर्स कुछ कॉमन है एंड देन फाइनली सेड इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के अगर सेट देखें तो इसका इसके हिसाब से क्या मिलता है हमें आज इवन नंबर जो वो इक्विवेलेंट टू ऑड नंबर इवन ऑड दोनों इक्विवेलेंट है जैसे कि आपके सामने बने 1 ऑड को दे दिया 2 इवन को दे दिया एक एलिमेंट ऑड को एक एलिमेंट 2 को 3 इसमें आ गया 4 इसमें आ गया मींस एक एलिमेंट आपने इवन को दे दिया एक एलिमेंट ऑड को दे दिया एक एलिमेंट इवन को दे दिया उसके बाद एक एलिमेंट ऑड को दे दिया निचले नंबर में एक एलिमेंट इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड क्वांटिटी सेम बनती जा रही है हाफ ऑफ एलिमेंट्स है तो क्वांटिटी सेम है इवन की एंड ऑड की क्वांटिटी सेम है तो कहेंगे इवन इज इक्विवेलेंट टू ऑड ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सिंपल यही आंसर चेक आउट करना था कौन से सेट किस इक्विवेलेंट बन रहे हैं ठीक है गाइस सिंपल था तो इक्विवेलेंट सेट के लिए आपको इक्विवेलेंट की डेफिनेशन जान लेनी होगी तो आप डिसाइड कर पाएंगे ठीक है तो ये सिंपल इसका आंसर सो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है क्या रिक्वायर्ड है पहले ये जरूरी है नेसेसरी है क्वेश्चन को समझना क्या गिवन है क्या रिक्वायर्ड है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लेट्स सपोज सेट एस कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1 2 10 20 एंड सेट टी कंटेन्स आल्सो 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी सेट एस में सेट टी में कुछ मेंबर्स दे रहा है अब कहना है दैट शो दैट सेट एस इज इक्विवेलेंट टू सेट टी बट सेट एस इज नॉट इक्वल टू सेट टी जो ये कहना है सेट एस एंड सेट टी दोनों इक्विवेलेंट है मगर इक्वल नहीं है ठीक है तो ये सिंपली है आइए देखते हैं डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर दिया जाएगा सो हमारे पास जो गिवन सेट्स हैं सेट एस के अंदर मौजूद है 1 2 10 एंड 20 सेकंड वन सेट टी इज एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी क्या है इवेंट्स अब जब डिसाइड करना पहले के शो दैट एस एंड टी आर इक्विवेलेंट देखते हैं हियर अगर आप सेट एस मींस एलिमेंट सेट एस के अंदर कितने मौजूद हैं सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 एंड 4 टोटल चार एलिमेंट्स मौजूद हैं ठीक है एंड अगर आप सेट टी के भी ऑर्डर देखें तो क्वांटिटी देखें सेट टी के अंदर क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 एंड 4 इसके अंदर भी चार एलिमेंट्स मौजूद हैं ठीक है सेट एस का ऑर्डर जो 4 है सेट टी का भी ऑर्डर 4 है मींस एलिमेंट दोनों के अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम है मगर आप देखें एलिमेंट दोनों की क्वांटिटी सेम है मगर एलिमेंट्स भी सेम नहीं है डिफरेंट है सेट एस के अंदर नंबर्स मौजूद है सेट टी के अंदर ए बी सी के लेटर्स मौजूद है ठीक है तो अब सेट एस एंड सेट टी के सो हम कहेंगे सेट एस ऑर्डर जो है वो सेम है सेट टी का ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम है आपके सामने ऊपर लिखे हुए सो ऑर्डर से एस दैट्स इक्वल्स टू ऑर्डर से टी दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट सी एस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू सेट टी ठीक है तो सेट एस जो वो सेट टी का इक्विवेलेंट है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया शो द इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये था एलिमेंट्स की क्वांटिटी अगर सेम है जस्ट दैट सेट्स आर इक्विवेलेंट ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट में देखना ये है कि आप नॉट इक्वल्स टू टी के बराबर नहीं है टी के बराबर नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे देंगे नाउ द एलिमेंट्स आर सेट एस एंड टी आर डिफरेंट सेट एस एंड सेट टी के अंदर एलिमेंट्स जो वो डिफरेंट है ठीक है सो हम क्या कहेंगे सेट एस जो है एलिमेंट्स डिफरेंट है एलिमेंट्स सेम नहीं है एलिमेंट डिफरेंट तो उसका मतलब ये है S जो है वो not equals to CT, CT के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम कह सकते हैं, set S is not a subset of set T, and set T is also not a subset of set S. S and T दोनों आपस में
एक दूसरे के साथ सेट नहीं है, यानी कि उसका मतलब से एस एंड से टी जो दोनों सेट है नॉट इक्वल टू, जो दोनों इक्वल सेट नहीं है। ये इसको करना था सेकंड पॉइंट में, पहले पॉइंट में इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए क्वांटिटी लिमिट्स की सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम थी दैट मींस नॉट इक्विवेलेंट। सेकंड पॉइंट में नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मींस हम कह रहे हैं लिमिट्स ऑफ सेट एस एंड टी आर डिफरेंट, दोनों लिमिट डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेम नहीं मींस सेट एस नॉट ए सबसेट ऑफ सेट टी, उसका सबसेट नहीं कह सकते। सबसेट का मतलब इसके एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होंगे तब जाके कहेंगे ये सबसेट है। तो सेट टी भी आर से नॉट ए सबसेट ऑफ सेट एस, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू सेट एस एंड सेट टी दोनों इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइव कंप्लीट हो गया, अब 6 नंबर, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल छात्र फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले नीचे दो सेट गिवन है हमारे पास, वन एंड टू, सेट ए एंड सेट बी। अब ये डिसाइड करना है, ये चेक आउट करना है कौन से सेट्स जो वो नल सेट है। नल सेट मींस सेट कंटेन नो एनी एलिमेंट, इसके अंदर कोई मेंबर्स मौजूद ना हो, कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो, कहेंगे नल सेट। आइए देखते हैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन, पहले पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 60 एंड 2x इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसमें सिर्फ बिल्डअप फॉर्म ही गिवन है, डिसाइड कैसे करेंगे ये नल सेट है या नहीं। नल सेट के सेट के अंदर कोई मेंबर्स मौजूद ना हो, मगर ये सेट गिवन जो है वो बिल्डर फॉर्म में गिवन है, मगर इक्वेशन को x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज ए डमी एलिमेंट, तो मींस x की यानी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें। वो x की वैल्यू कैलकुलेट जो करनी है कहां से कैलकुलेट करनी है, जी हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे एक और इक्वेशन भी मौजूद है 2x इज इक्वल टू 4, देखते हैं किस तरीके से x की वैल्यू आती है, वो x की वैल्यू जो यहां से मिलेगी वो इसकी वेरीफाई करेंगे वेरीफाई हो रही है या नहीं। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू 16 फ्रॉम गिवन सेट, हम कह रहे हैं वी हैव फ्रॉम गिवन सेट, गिवन सेट से x स्क्वायर इक्वल टू 16 क्वेश्चन को टेक आउट किया। अब इसी क्वेश्चन से हम सिंपलीफाई करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर किस तरीके से हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम टेक आउट करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट टेक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चलो इस बार हम टेक आउट कर रहे हैं, जीका सू 16 के ऊपर 20 स्क्वायर रूट आ गया, ठीक स्क्वायर रूट आ गया। अब x स्क्वायर रूट में स्क्वायर साइन एंड के तो x जीका सू अगर वेरिएबल आता तो रहा है साइन वे प्लस माइनस की साइन आ गई, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो है 4, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो है 4, ठीक। तो x की दो वैल्यूज मिली है, दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, प्लस का 4 है माइनस का 4। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को टेक आउट किया, इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट की है, क्यों किया, क्योंकि x जो एक डमी नंबर है, उस डमी नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उससे ही हमें पता चलेगा दैट सेट इज एन एम्प्टी सेट और नॉट, नल सेट है या नहीं है। अब क्या करना है, डिसाइड कैसे करें, अब देखिए सेट x की वैल्यू तो मिल गई हमें प्लस माइनस को, तो क्या करेंगे नेक्स्ट जो उसके साथ इक्वेशन मौजूद है उस पीसेस को वेरीफाई करेंगे हम, कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन है, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। वेरिफिकेशन कहां से करेंगे, सेकंड पार्ट से, जो सेकंड पार्ट मौजूद है उसमें से, वो मौजूद है 2x इक्वल्स टू 4 में से, ठीक है, देखते हैं आंसर सेम अगर मिल रहा है, 4 दोनों साइड से कंपेयर हो रहा है तो मींस ये नल सेट नहीं होगा। देखते हैं इफ x = 4 plus minus
2 multiplied by x की जगह पे 4 because value of x is 4. Yes, 4. 2 4 is 8. Equal to 4. Equal to 7 नहीं मिला. 7 नहीं है. तो इसका मतलब plus 4 जो उसके हिसाब से ये null set है. वेरी फाइन हो रहा. सेकंड प्रॉब्लम अगर देखें आप इफ x is equal to minus 4 है. सेकंड वैल्यू कौन सी है? प्लस 4 है आपसे माइनस 4. तो 2 multiplied by x की जगह पे minus 4 equal to 4 है. 2 multiplied by minus 4 means minus 4 is equal to 4 means not equal to 4. वो इक्वल नहीं है. इस क्वेश्चन कह रहा है कि 2 को x से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप 4 मिलेगा आंसर. जिस तरीके से x की वैल्यू इसमें दी है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें देखना है. आंसर 7 नहीं मिल रहा. इक्वल नहीं आ रहे. इक्वल नहीं आ रहे उसका मतलब ये है कि सेट जो वो क्या है? नल सेट है, एम्प्टी सेट है. अगर इक्वल वैल्यूज मिलती 2x = 4 सेम आते दोनों आंसर तो कहते इट्स नॉट ए एम्प्टी सेट. ठीक है, सेम नहीं आ रहे तो उसका कह के हम आंसर सेट ए इज ए नल सेट. सेट ए जो वो नल सेट है, ये था इसका आंसर. ठीक है गाइस, तो ये था फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके उसका आंसर ये सेट इसमें डिसाइड कर लिया. सेट जो वो नल सेट है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट की, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, दोनों टर्म्स इक्वल हो मिले हुए. तो सॉल्व करने के बाद इक्वल नहीं मिलने, नहीं मिलने मींस ये सेट जो वो नल सेट है. अगर सेम मिलते हैं तो नल सेट नहीं था. ठीक, ये हो गया पार्ट नंबर 1. अब सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2 को जो सेट b है. अब इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको डिसाइड करने जा रहे हैं क्या है. पार्ट नंबर 2 में b = तो x such that x + 6 = तो 6 ये. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले देखेंगे सेट जो गिवन है बिल्डर फॉर्म में गिवन है. बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो किस तरीके से गिवन है, एलिमेंट्स किस तरीके से टाइप किए, कितने इक्वेशंस है. जैसे सेट जो फर्स्ट था ए, उसके दो इक्वेशंस मौजूद थे x = 6 फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन 2x = 4. इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट की, इसमें वेरीफाई की. अब जो बी पॉइंट है उसमें हमारे पास यहां पर मौजूद है जो सिर्फ x + 6 = 4 ए की इक्वेशन मौजूद है. x इज अ डमी नंबर, डमी एलिमेंट. तो सच दैट x जो इस इक्वेशन में कनेक्टेड है, इक्वेशन सिर्फ एक ही हो रही है. सिर्फ यही इक्वेशन एक ही उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको देख के हम डिसाइड करेंगे क्या नंबर है. ठीक है, सब देखेंगे है फ्रॉम गिवन सेट. गिवन सेट में क्या मौजूद है, कौन सी इक्वेशन मौजूद है, x + 6 = 6. देखो किया, तो जहां से x की वैल्यू फाइंड करें, x आसान करना है तो x के साथ देखें 6 जो वो प्लस हो रहा है, सिर्फ एक नंबर है 6 वो प्लस हो रहा है. तो प्लस वाले 6 को यहां से हटा दें. क्यों, x आसान करना है, x ही चाहिए हमें. तो 6 प्लस हो रहा है उसको हटाएंगे, x की वैल्यू 6 उस साइड वाला 6 7 है, ये 6 इस साइड में प्लस हो रहा है. अगर मूव करेंगे हम जाए ना साइड, साइन अल्टर हो जाएगी. प्लस का है तो साइड में माइनस हुआ 6, 6 प्लस का 6 माइनस का कैंसिल, x = 2 0. इसका मतलब x के वैल्यू क्या मिली, 0. सो हम कहेंगे सेट x जो उसमें जो ये सेट b है उसके अंदर एलिमेंट जो मौजूद है, एक एलिमेंट 0 मौजूद है सेट के अंदर, x की वैल्यू 0 है. इस सेट के अंदर x एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा, 0 है. तो सेट b के अंदर एक 0 एलिमेंट मौजूद है. तो इसका मतलब ये 0 एक एलिमेंट काउंट हो रहा है. काउंट हो रहा है दैट मींस इट्स नॉट एन आंसर. इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो 0 है, 0 में से एलिमेंट काउंट कहलाएगा, सेकंड इन वन एलिमेंट. तो इसका मतलब ये सेट जो है आंसर सेट बी इज नॉट ए नल सेट. सेट बी नल सेट नहीं है. ठीक है, आई बात समझ में. तो ये हो गया इसका पार्ट बी का सॉल्यूशन. वैल्यू डिसाइड करने की क्या आंसर आया. तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के सॉल्यूशन आपके सामने थे. पार्ट 1 जो ए था वो नल सेट मिला है और बी जो नल सेट नहीं मिला है. ठीक है, ये दोनों के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो मजीद वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे वो वीडियोस आपको मिलती जाएंगी नोटिफिकेशंस में, ताकि आप अपना कोर्स इजीली समझ सकें.
कंप्लीट कर सके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।